चीजें बचे हैं इन तीन जिलों को समाप्त करने के बाद ये जनगणना यात्रा आने वाली 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ यात्रा करने के लिए आया हूँ कि इस लड़ाई में हम आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समर्थन के बदौलत हम बिहार सरकार के लिए दबाव बना सके ताकि बिहार विधानसभा में CA, NRC और NPR के खिलाफ जैसे दूसरे राज्यों में रेजोल्यूशन पास हुआ है बिहार की विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है कि मेरे जैसे साधारण इंसान के भीतर भी ये हिम्मत पैदा होती है कि इस देश के गृह मंत्री को परिवार को इसको मौका करके कह सके कि आपका घमंड कहता है सत्ता के नशे चूर आप कहते हैं कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच तो क्या पूरी जमीन बचा करके बेच रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब देश रोजगार मांग रहा है तो आप देश को NPR पे उलझा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश की राजनीति में आप इतनी बड़ी साजिश रची है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनकी संपत्ति उनका जमीन उनका अधिकार उनसे छीन लिया जाए। तो हम आपको कह देना चाहते हैं ये बिहार की धरती है और बिहारी लोग अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसको मंदिर तक पहुंचा देना अच्छा है। NPR को हरा करके हम रोजगार के लिए रास्ता बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप इस देश को दोबारा धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, अगर आप अंग्रेजों की चाल चलने की कोशिश करेंगे, अगर आप फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे तो हम गांधी की बात बोल करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम संपत्ति दे भगवान। अगर आप अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिश्नोई बनने के लिए तैयार। डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमको लिख करके दिया है उस संविधान की ताकत यह है कि फॉर्चुनर वाला का भोग भी एक ही होता है जी, और साइकिलों वाला का भोग एक ही होता है, टोपी लगाने वाला का भी भोग एक होता है और टिकी बनाने वाले का भी भोग एक होता है, मंदिर में जाने वाले का भी भोग एक होता है और मस्जिद में भी जाने वाला का भोग एक होता है। ये जो बराबरी का अधिकार है इस बराबरी के अधिकार को हम आपको छीनने नहीं देंगे। इसीलिए हम बिहार की सरकार को कहना चाहते हैं कि बिहार की धरती है, ये धरती कर्पूरी बाबू की धरती है, ये धरती नक्षत्र मालाकार की धरती है, ये धरती जगदेव बाबू की धरती है, ये धरती बुद्ध महावीर और गुरु गोविंद की का संदेशा लेकर के इस देश को जब जब जरूरत हुई है इस देश ने सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है, आर्थिक न्याय की आवाज को बुलंद किया है। इस धरती से किसानों के महान नेता अगर सहजानंद सरस्वती पैदा होते हैं तो आजादी के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के साथ पीर अली भी अपनी शहादत को देते हैं। ये धरती हम तमाम वीरों की है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, ये धरती चुप्पा सहनी की भी है और ये धरती नक्षत्र मालाकार की भी धरती है। कि बिहार की इस धरती पर देश को बांटने वाला कानून नहीं चलेगा। बोलिए चलेगा क्या? इनका चक्कर जाम करेंगे और जो आजादी हमारे पुरखों ने लड़कर के हमको दिलाई है उस आजादी का सम्मान करेंगे, उस आजादी की रक्षा करेंगे। बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? जो संविधान हमको मिला उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे? इन तीन जिलों को समाप्त करने के बाद ये जनगणना यात्रा
आने वाली 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ के नीति रूप में परिवर्तित हो। हमारा तमाम लोगों के बीच आग्रह करने के लिए आया हूँ कि इस लड़ाई में हम आपका साथ चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समर्थन के बदौलत हम बिहार सरकार के लिए दबाव बना सके ताकि बिहार विधानसभा में सीएएनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जैसे दूसरे राज्यों में रेजोल्यूशन पास हुआ है बिहार की विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो। ये जो लड़ाई है इस लड़ाई में हम आपका समर्थन चाहते हैं, आपका समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सब लोग जो इस मैदान में मौजूद है और हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है समर्थन दिया है, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि मेरे जैसे साधारण इंसान के भीतर भी ये हिम्मत पैदा होती है कि इस देश के गृह मंत्री को परिवार को इसको मैदान पर कह सके कि आपका घमंड कहता है सत्ता के नशे चूर आप कहते हैं कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच तो क्या पूरी जमीन बचा करके बेच रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब देश रोजगार मांग रहा है तो आप देश को एनपीआर को उलझा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश की राजनीति में आप इतनी बड़ी साजिश रची है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनकी संपत्ति, उनका जमीन, उनका अधिकार उनसे छीन लिया जाए। तो हम आपको कह देना चाहते हैं ये बिहार की धरती है और बिहारी लोग अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसको मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।